ऐसे डलती है जी फिलिंग पनीर के परौंठे में। तो ऐसा होता है जी असली पनीर का परौंठा, उनको दिखाता हूँ। तो ये एग्जॉस्ट सफेद क्यों हो गया है? क्या हालचाल। अच्छा एक बात पूछनी थी आपसे, आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि लाइफ में किसी चीज़ की तारीफ करो ना तभी बिगड़ जाती है? फॉर एग्जाम्पल लास्ट वीडियो में मैंने बोला कि मेरे को एक जगह से बिरयानी बहुत पसंद है, उसके 3-4 दिन तक बंद रही है वो जगह, और फिर जिस दिन खुली उस दिन मैंने बिरयानी मंगाई बड़ी खुशी खुशी, भाई जो चिकन आया इतनी गंदी स्मेल थी उसमें कि मैं दोबारा नहीं मंगा रहा उस जगह से बिरयानी। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जिसकी तारीफ करो तभी ख़राब होना होता है। पंजाबी में कहते हैं नज़र लग गई, इंग्लिश में कहते हैं जिंक्स्ड इट। आप भी मानते हो क्या ऐसी किसी चीज़ में, बताना मेरे को। एनीवेज अभी रात के 1:30 बज रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ कि पनीर के परौंठे बनाए जाएं। अभी कुछ ही टाइम हुआ है मेरे को ऑफिस से वापस आए और सोच रहा हूँ कि आज थोड़ा सा मूड हुआ है अंदर से कुछ कुकिंग करने का, बहुत टाइम से अच्छे से कुक नहीं किया, तो पनीर के परौंठे बनाते हैं साथ साथ में। आप भी देख लेना कि मैं किस तरह के परौंठे बनाता हूँ, बड़े ज़बरदस्त बनाता हूँ वैसे। सो कुछ सामान मिसिंग है जो मंगाना पड़ेगा बाज़ार से, सो आई विल ऑर्डर इट। स्विगी ब्लिंकिट वगैरह वाली जगहें काम आ जाती हैं, रात को जल्दी घर पे ग्रोसरी पहुंच जाती है। सो लेट्स ऑर्डर द स्टफ एंड मेक सम पनीर दे परौंठे। जब तक बाकी सामान नहीं आता आटा उटा गुन लेते हैं यार ज़रा। तो आटा अपने को लगेगा, 3-4 परौंठे तो बने कम से कम। अगर आप आटे में पानी डालते ही हाथ डालोगे ना सारा आटा हाथ में चिपक जाएगा। पहले क्या करो, पानी डालो थोड़ा थोड़ा और फोक से हिलाओ, और यहाँ इसके थोड़े लंप से बन जाएंगे तो फिर हाथ लगा लो चाहे। ये देखो जी प्रोग्राम है, फोर्क से क्या ऐसे लंप्स बन जाते हैं ना, जब सारे आटे के ऐसे लंप से बन जाएं तो फिर आप उसको चाहे हाथ से गुन लो, जो कि गुनना ही पड़ेगा, तो उससे हाथ गंदे नहीं होते बिल्कुल भी और आटे की वेस्टेज भी कम होती है। तो थोड़ा सा पानी अभी और ऐसे डालेंगे। अब ये सब काम करता देख, आप में से काफ़ी लोग मुझे बोले हैं कि भाई अपना कुकिंग चैनल भी तो रीस्टार्ट करो। करूँगा यार, आराम आराम से करूँगा सब चीज़ें, एक ही टाइम पे कितना कुछ करे बंदा। अभी ऑफिस से वापस आया हूँ, खाना भी खुद बना रहा हूँ, बर्तन भी खुद ही धोने हैं, तो बंदा कल्ला कितना कुछ करे। आपको कोई काम वाली क्यों नहीं लगवाई, उसकी भी लंबी कहानी कभी बाद में बताएंगे। लो जी देखो यहाँ तक पहुँच भी गया आटा और हाथ भी गंदे नहीं हुए बिल्कुल भी, ऑलमोस्ट डन है जी। तो ये परौंठे का जो डो बनता है ये थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, तो अगर आपको लगे कि पानी ज़्यादा हो गया, दैट इज़ एक्चुअली बाय डिज़ाइन, पानी ज़्यादा ही होना चाहिए। देखो हाथ भी बिल्कुल भी गंदे नहीं हुए हाथ। 3-4 परौंठे निकल आएंगे जो काफ़ी हैं अपने लिए, और इसको यहाँ रखेंगे थोड़ा रेस्ट होने के लिए, इसको ढक के रख देंगे और तब तक अपन प्याज काटेंगे। भाई फ्रेंडली प्याज है ये, आंसू नहीं निकलवा रहा। आओ दिखाएं आपको क्या क्या मंगाया अपन ने। मेन थिंग, मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द डे, ये मिल्की मिस्ट का काफ़ी अच्छा होता है बाय द वे, मैं हमेशा यही यूज़ करता हूँ। एंड इनका दही भी आ गया, क्योंकि परौंठा दही के बिना खाओ जिंदगी में जितना स्वाद है सब गायब हो जाता है, परौंठा दही नाल चंगा लगता है जी। स्विगी पे जब ऑर्डर किया तब तो वो दिखा रहा था कि भाई 10 मिनट में पहुँच जाएगा। पता नहीं क्यों ऐसे एक्स्ट्रावेगेंट से प्रोमिसेस करते हैं कि 10 मिनट में पहुँच जाएगा, चला आधे घंटे बाद आया। और हाँ भाई दो मेरे को स्विगी की सर्विस से कोई दिक्कत नहीं है भाई, घर बैठे बैठे रात के 2 बजे भी ग्रोसरी आ रही है, ऑब्वियसली इट्स गुड। फॉल्स प्रोमिसेस वाली जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है ना हम भारतीयों में, वो अच्छी नहीं लगती भाई। अगर लगेगा आधा घंटा तो लिख देना आधा घंटा लगेगा, मैं वेट कर लेगा। 10 मिनट बोल के 20 मिनट एक्स्ट्रा वेट करवाना इज फंडामेंटली नॉट अ वेरी गुड आइडिया अकॉर्डिंग टू मी, बट ठीक है। अभी एक्चुअली ऐसा ना भूख लगी हुई है इसलिए मूड क्रैंकी हो रखा है मेरा थोड़ा। जब पनीर के परौंठे जाएंगे ना मुंह में एकदम मूड ऐसे सेट हो जाएगा। इट्स गोना टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू गेट माय मूड इन ऑर्डर। डाउंगा कितने मित्रों का, यहाँ कैसे आटा लग जा रहा है मेरे को पता नहीं। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस पनीर परौंठा इज दैट जो पनीर है ना इसको आपने ग्रेट नहीं करना, ग्रेट बोले तो ये जो औजार है ना इससे ग्रेट नहीं करना भाई पनीर को, पनीर का पूरा टेक्सचर जो है खराब हो जाएगा। पनीर के परौंठे में वैसे ही पनीर अंदर छुप जाता है प्याज के अंदर आटे के अंदर, तो इसका टेक्सचर मेंटेन करना है जी अपन ने, इसीलिए ना इसको हाथों से क्रम्बल करना है अपन ने। और क्रम्बल करना है तो ऐसे पूरा मलिदा नहीं कर देना, इसके पीसेस थोड़े थोड़े रहने चाहिए ताकि जब आप पनीर का परौंठा खाओ ना तो रियलाइज हो कि अंदर पनीर है। ज़्यादातर जनता गलती यही करती है पनीर के परौंठे बनाते हुए, एक तो पनीर कम डालेंगे और फिर जो डालेंगे उसका इतना मलिदा सा कर देते हैं कि वो आटे के साथ ही मिल जाती है, पता भी नहीं लगता कि आपने कुछ स्पेशल बनाया है। रफनेस जो है ना वो पंजाबी खाने का बहुत ही ज़रूरी कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आप सब कुछ परफेक्ट कर दोगे, सब कुछ बहुत ही सीमलेस और स्मूथ सा कर दोगे ना,
उसमें स्वाद नहीं आएगा। पंजाबी खाने में वो रफनेस, वो रियलिटी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्चुअली। नमक जी परौंठे में ज़्यादा डलता है, क्योंकि परौंठे ने जो फिलिंग है उसने आटे के अंदर चला जाना है ना, तो द फिलिंग शुड बी क्वाइट सॉल्टी, क्योंकि वैसे भी अपन ने आटे में कोई नमक वमक डाला नहीं है। आप चाहो तो आटे में भी नमक डाल सकते हो वैसे, पर फिलिंग जो है वो थोड़ी एक्स्ट्रा सॉल्टी होनी चाहिए। थोड़ी सी लाल मिर्च जी फ्लेवर के लिए दे रहे हैं अपन, इसका तीखापन तो नहीं चाहिए अपने को। वैसे भी वो कश्मीरी लाल मिर्च रंग वाली। धनिया पाउडर, इसका चम्मच पता नहीं कहाँ गया। थोड़ी जी हल्दी पड़ेगी इस, साडा फेवरेट किचन किंग मसाला, इसी का बहुत मज़ा आता है भाई इसका। आज मेरा मन कर रहा है मसालेदार परौंठा खाने का, इसलिए मैं सब मसाले से डाल रहा हूँ। ब्लैक पेपर भी डालेंगे हल्की सी इसमें। मिक्स अपना तैयार है जी ऑलमोस्ट। इसमें भी अपन दिमाग लगाएंगे, ऐसे हाथ से नहीं लगे रहे हैं। लो पूरा मिक्स हो गया बढ़िया तरीके से, कोई हाथ पैर मारने की चम्मच लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये है जी पंजाब का देसी घी, साड़ी नानी जी ने बना के दिता है, तो इसको ऐसे ही डाल देंगे अपन थोड़ा सा। अगर आपका पनीर बच जाए ना और उसको स्टोर करना चाहते हो आप, तो किसी डब्बे में लो, उसको पानी में भर दो, ढक्कन लगाओ और फ्रिज में रख दो। ये टिक जाएगा आपका, मतलब कम से कम डेढ़ दो हफ्ता तो आराम से टिक जाएगा पनीर। अगर ऐसे ही रख दोगे ना फ्रिज में तो सूख जाएगा, ख़राब सा हो जाएगा। इससे क्या है, पनीर ज़रा हाइड्रेटेड रहता है, सॉफ्ट रहता है। आज का व्लॉग कम कुकिंग क्लास ज़्यादा हो गया, पर यार जैसा मैंने बताया ना आपको पिछले व्लॉग में कि ऑफिस का काम इतना ज़्यादा हो गया ना आजकल, टाइम नहीं मिल रहा कुछ और भी अच्छे से, क्या कहते हैं, सुकून से और कुछ करने का टाइम नहीं मिल रहा था। जो मिल रहा है वही बनाएंगे। चलो जी अभी इसमें पनीर की फिलिंग करनी है। पर कई लोग क्या करते हैं ना, पेड़ा सा बनाते हैं, हाथ में ही फैला के उसमें पनीर डाल देते हैं। भाई इनफ सरफेस एरिया नहीं बनता उस केस में, आपकी फिलिंग बहुत कम रह जाती है। अब अपन ने एरिया ज़्यादा बनाया ना डालने के लिए, तो अब देखना मैं फिलिंग कितनी ठूस के डालूंगा इसमें। अब ऐसे डलती है जी फिलिंग पनीर के परौंठे में, जब तक पनीर फट के बाहर ना आ रहा हो ना पनीर परौंठे के अंदर से, तब तक पनीर का परौंठा इज़ नॉट पनीर का परौंठा। और इसीलिए बाजार से तो कभी ऐसा मिल ही नहीं सकता, ऐसा डालने लगे तो उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा। वी नीड टू बी रियली जेंटल विद द परौंठा, क्योंकि भाई फिलिंग इतनी ज़्यादा है ना, ये थोड़ा सा भी इस पर आप अग्रेसिव हुए ये फट जाएगा एकदम ही। देखो घी आप पहले डाल दोगे ना परौंठे पे, तो एक तो अंदर तक अच्छे से पकेगा नहीं, वो पहले ही बाहर से एकदम फ्राई सा हो जाएगा, और दूसरा आपका परौंठा ज़्यादा करारा नहीं होगा, सॉफ्ट सा बन जाएगा। अब परांठा जब तक करारा ना बने ना, तब तक मज़ा नहीं आता। देखो हल्का धुआं छोड़ना शुरू हो गया ना, अब फ्लिप करो, अब बनिया बात। अब घी कितना डालना है ये आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है, और घी डालने के बाद हम इसको पलटेंगे। आप ध्यान से पलटना भी, मेरे को तो एक्सपीरियंस है ये सब करने का। आप पलटना इसको ध्यान से, चिमनी ऑन कर देंगे, आवाज़ आएगी चिमनी की तो काम चला लेना, ठीक है। लो जी ओए होए होए, और राड़ना है अच्छे से, तो थोड़ा इसको प्रेस कर देंगे, ये सिजल सिजल करेगा जरा अपना। हाय अभी देखा मैंने कि परोठा तो फ्रेम में ही नहीं आ रहा था, मतलब तवा फ्रेम में नहीं आ रहा था, तो चलो अब आ गया। देखो एक साइड से हल्का सा कुक करना है अपन ने, पूरा नहीं कुक कर देना इस साइड से एक ही बार में, थोड़ा सा ताकि ये इवनली पके। आप इसको किसी ऐसी चीज़ से दबा भी सकते हो। अब ये जो मैं करने लगा हूँ भाई, ध्यान से करना, मैं तो एक्सपर्ट हूँ ये सब करने में, आप नहीं अपने ऊपर घी मत गिरा लेना। ध्यान से ऐसी किसी चीज से पलट लिया करो। ब्यूटीफुल परौंठा। अच्छा आपको सुनाऊं कितना करारा है ये, सुनो जरा साउंड का, और सुन रहे हो टाइम पर, सुन रहे हो साउंड का, दूसरी साइड से भी देख लो, करारा परौंठा बनता ही साडा। ये फोन के कैमरा की बैटरी कम हो गई है, तो फटाफट से आपको खा के दिखाते हैं। हाँ जी आई नो बहुत सारा घी डला है, पर उसके ऊपर बटर जाना फिर भी ज़रूरी है, साथ में अपने पास है दही। कैमरा चलना बंद ना हो जाए बीच में, ओवर हीट हो गया, बंद हो गया था कैमरा। आहा मक्खन पाया जी, मोमेंट ऑफ ट्रूथ। ये देखो ऐसा होता है जी असली पनीर का परौंठा, उनको दिखाता हूँ, जस्ट सी दी अमाउंट ऑफ फिलिंग। ये देखो भर भर के फिलिंग है इसमें। ओह वेरी नाइस, लेट्स सी हाउ इट गोज।
बहुत ज़बरदस्त बना है। ये खा के तो भाई आज ऐसी नींद आने वाली है ना, अब मैं आराम से खाता हूँ भाई बैठ के, और आपको पता नहीं कब मिलूँगा अब मैं। ऑफ़िस जाने लगा हूँ जी, आज थोड़ा जल्दी ऑफ़िस जाना है। क्यों जाना है जल्दी थोड़ी देर बाद मैं बताता हूँ आपको, पर सोच रहा हूँ कि इसको स्टार्ट कर लिया जाए, आज मूड सा आया, देखते हैं ये चालू होगी भी कि नहीं। क्योंकि मैंने इसको बहुत टाइम से स्टार्ट नहीं किया, महीना हो गया शायद इसको स्टार्ट किए, तो आई होप बैटरी हो। क्या बात है, मेरे को उम्मीद नहीं थी वैसे कि ये स्टार्ट हो जाएगी एक बार में, बट नाइस। वैसे भी आज सुबह जल्दी उठना था, सुबह 8:30 बजे उठ गया मैं, केम टू द ऑफिस अराउंड 12 noon, क्योंकि आज मुझे सेशन लेना था दोपहर में। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो डाली थी नाइट्रॉन सस्पेंशन लगाने की डियाविल में। नाइट्रॉन सस्पेंशन मैंने यूके से मंगाई थी, तो वो क्या है कि यूके से मैंने कनाडा शिप की थी, कनाडा से अपना दोस्त लेके आ गए यहाँ पे, तो उससे क्या हुआ कि मेरे को कस्टम ड्यूटी बच गई। पर चक्कर ये हुआ, उन्होंने जो सस्पेंशन भेजी वो बहुत ही स्टिफ थी, इंडियन रोड्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्टिफ थी, तो ऐसा लग रहा था कि मैंने सस्पेंशन चेंज नहीं किया, झटके उतने ही लग रहे थे अभी भी। तो मैं आज डियावल क्यों लाया हूँ मैं बता देता हूँ। मैंने जो ओरिजिनल सस्पेंशन है डियावल की, वो रिपेयर करने दे रखी है किसी बंदे को, वो मुझे लगा था कि आज मिल जाएगी मेरे को, इसलिए मैं डियावल ले आया। मेरे को वैसे भी पता था ऑफिस से जल्दी फ्री हो जाऊँगा, बट वो बंदा शहर में ही नहीं है आज, तो भाई वो डियावल का काम तो बना नहीं, मैं ऐसे ही ले आया डियावल। तो ऐसा करते हैं गियर गियर मोटरसाइकिल्स ही चलते हैं, क्योंकि जल्दी फ्री हो गया, वहाँ पे अपने दोस्तों वोस्तों से मिल लेंगे। वी आर एट गियर गियर मोटरसाइकिल्स, ये खड़ी है अपनी डियावेल, जरा साइड से देख लो अच्छे से। और आप अगर सोच रहे हो ये एग्जॉस्ट सफ़ेद क्यों हो गया है, उस पर रैप लगाया हुआ है, और वो हीट होने पे उसका ब्लैक कलर थोड़ा इवेपोरेट सा हो जाता है कह सकते हो, दैट्स वाई इट लुक्स लाइक दैट। यो जनता, बैक एट होम, रात के 10 बज चुके हैं। गियर गियर मोटरसाइकिल्स, जब भी जाओ गप्पे मारते रहो, गप्पे मारते रहो, वहीं टाइम स्पेंड हो जाता है। और वैसे भी मैं तब तक वेट कर रहा था जब रश थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि डियावल शहर में चलानी थी, बट यार डियावल चला के जो मज़ा आता है ना, और किसी मोटरसाइकिल में ये मज़ा नहीं है जो डियावल चला के आता है। तो भाई मैं बस ये होप कर रहा हूँ कि डियावल की ओरिजिनल सस्पेंशन जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, बट जैसे ही ये जेई का एग्जाम खत्म हो जाएगा फिर मैं व्लॉग्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दूंगा और घूमने फिरने की भी बढ़ा दूंगा। तो चलो ठीक है जनता, आपको मजा आया हो तो मेक श्योर हिट दैट थम्स अप बटन, स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन दबा लेना, कॉमेंट कर देना अच्छे से, पानी की बॉटल भर के फ्रिज में रख देना, ठंडी ठंडी पीना, अगर गला खराब है तो गर्म करके पीना। मैं मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।